गुस्सा करने वाला व्यक्ति जहर तो खुद पीता है लेकिन मरने की आशा किसी दूसरे से करता है। हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर सचकांत शुक्ल। एक छोटी सी कहानी। महात्मा बुद्ध सभा में बैठे हुए थे, उपदेश दे रहे थे और बहुत शांत चित्त से गुस्से पर बोल रहे थे, लेकिन वहाँ एक सनकी व्यक्ति बैठा हुआ था। वह गौतम बुद्ध की बातों को सुन रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे रहा नहीं गया और वह उठता है और गौतम बुद्ध के चेहरे पर थूक देता है। सभी शिष्य भड़क उठते हैं लेकिन गौतम बुद्ध सभी को शांत करते हैं। इसके बाद सभी लोग चले जाते हैं अपने अपने घर। जो व्यक्ति थूका हुआ था वह रात को जब सोने के लिए जाता है तो उसके मन में विचार आता है कि मैं ऐसी गलती किया। जब उसकी गुस्सा शांत होती है तो उसको अपने किए पर पश्चाताप होता है और सुबह जाकर के ढूंढता है गौतम बुद्ध को, और गौतम बुद्ध के पास पहुंचता है तो क्षमा याचना करने लगता है, माफ़ी मांगने लगता है कि महात्मन मुझसे गलती हो गई। तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि मैं तो इस बात को कल ही भूल गया था। देखो, ऐसा है कि यदि मैं इन सभी बातों को ध्यान में रखूंगा इससे जीवन और भविष्य दोनों की गति रुक जाती है। इस तरह से महात्मा बुद्ध उसको एक ज्ञान का पाठ पढ़ाए। दोस्तों, इस छोटी सी घटना से हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए।